नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक नेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की काफी बड़ी दो दो अपडेट्स के साथ आपका स्वागत है। अपडेट्स क्या होने वाली है, देखो आपको मालूम है कि 31 दिसंबर तक जो है कि लास्ट डेट है आवेदन करने की, और ऑलरेडी जो है कि दिसंबर का 10-11 तारीख जो है बीत चुका है। मतलब आपके पास बस मुश्किल से 15-20 दिन बचे। ऐसे में आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, किसी का कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा, किसी को एमपीसीआई वाली सर्वर वाली दिक्कत आ रही है, किसी को और कहीं प्रिंट निकाले जा रहा तो फोटो नहीं आ रहा है, ऐसे करके बहुत सारी आप लोगों को टेक्निकल समस्याएं जो है कि आ रही है। तो ऐसे में एक सवाल बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है आपके मन में कि सर अब 15-20 दिन बचे हैं, आप लोग थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे कि सर अब 15-20 दिन बचे हैं, ऐसे में आवेदन कैसे करेंगे जब इतना सारी समस्याएं चल रही है। तो आप लोगों के लिए DW जो है कि एक अच्छी खबर लेकर आ गया है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, सारी नोटिस भी आपको दिखाऊंगा और सारी चीजें जो है कि वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि आखिर में क्या हुआ, क्या चेंज होने वाला है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहीं सब्सक्राइब का बटन आ होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सटीक अपडेट आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए लाइन से सारी चीजें देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये वाली अपडेट आप लोग देख लीजिए, पहली अपडेट ये है, छात्रवृत्ति लखनऊ से है, अब 2 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 2 जनवरी तक किसके लिए है, देखो सबसे पहले तो आपको प्री मैट्रिक 9th 10th वाले जिनका मतलब 9वीं 10वीं में है, उनका आवेदन की जो अंतिम तारीख थी वो है 10 दिसंबर थी, लेकिन उसके बाद वो लोग परेशान हो रहे थे, मेरे से भी एक दो लोगों ने पूछा तो मुझे लगा था शायद पोर्टल की डेट जो है कि इसकी मतलब आवेदन की नहीं बढ़ेगी, लेकिन विभाग ने जो है समय सारिणी में संशोधन करके जारी कर दिया है। अब उन लोगों के लिए यानी कि अगर आप 9वीं 10वीं में हो तो आप अपने साथी या 9वीं 10वीं आपके दोस्त भाई जो भी पढ़ते हैं उनको खबर दे दीजिए कि जो है कि जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है, 10 दिसंबर की जगह अब 2 जनवरी तक जो है कि आवेदन हो सकेंगे। इसकी संशोधित जो है कि जो इसको मतलब चेंज करके जो समय सारिणी होती है वो भी जारी कर दी गई है। देखो यहाँ लिखा भी है, पहले में आप यहाँ पढ़ भी सकते हो कि प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 9 और 10 की छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन की समय सारिणी संशोधित की है। संशोधित समय सारिणी के अनुसार अब कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्रा आगामी 2 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मतलब इनके लिए तो है कि फिर से टाइम बढ़ा दिया गया, अगले 20 दिनों और उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी जो है कि सारी चीजें हो रही हैं, और यहाँ पर ये चीज और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, यहाँ पर जो लिखी हुई है देखो उसे अगर शायद विभाग ने इस समय सारिणी में संशोधन इसलिए किया है क्योंकि छात्रवृत्ति पोर्टल में आए दिन तकनीकी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इन्होंने डेट क्यों बढ़ाया, क्योंकि इनकी ही पोर्टल यानी इनकी ही वेबसाइट में समस्याएं चल रही हैं, इन वजहों से हो रहे विलंब को देखते हुए समय सारिणी संशोधित की गई है। मतलब इनकी जो गलतियां हैं, इनकी वजह से जो पोर्टल में दिक्कतें आ रही हैं, ये लोग जो चेंजेस कर रहे हैं उसके कारण ये दोबारा मौका 9वीं 10वीं को दे दिया गया, क्योंकि 9वीं 10वीं की डेट बीत गई है इसलिए उनको मौका ये दे दिया गया है। तो ये तो हो गई पहली खबर। अब संशोधित समय सारिणी की बात करते हैं, आप लोग को एक बार मैं दिखाना भी चाहूंगा संशोधित समय सारिणी मेरे पास है। तो ये देखो ये है वो संशोधित समय सारिणी जिसकी न्यूज वाले बात कर रहे हैं। देखो 6 दिसंबर की है, ये देखो ये है 9वीं 10वीं के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 9 10 के लिए। तो इस समय सारी पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा देता हूँ कि कब से कब तक क्या होगा। देखो यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होगा, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना वो होगा 2 जनवरी 2024 तक, ये उसी डेट को अखबार वालों ने छापा है। छात्रवृत्ति कब तक आएगी कक्षा 9वीं 10वीं की, वो भी आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर नीचे लिखी हुई होगी। ये देखिए धनराशि का अंतरण यानी कि जो पैसे का जो वितरण होगा आपको यानी कि खाते में पैसा मिलेगा वो कब से कब तक होगा, वो 10 मार्च 2024 तक जो है कि 9वीं 10वीं वालों को यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो लिखा है ना कि जनपदीय स्तरीय विभाग यानी DW अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना होगा 10 मार्च 2024 तक। तो 2 जनवरी तक आप आवेदन कर सकोगे अगर आप 9वीं 10वीं में हो, और 10 मार्च 2024 तक आपको पैसा मिलेगा। तो ये तो हो गई 9वीं 10वीं के लिए यानी प्री मैट्रिक के लिए पहली वाली अपडेट जिसमें मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अब ये टाइम टेबल कहाँ मिलेगा आपको, आपको सभी को मालूम होना चाहिए, टेलीग्राम चैनल है इस यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है। तो टेलीग्राम चैनल और उसकी दोनों की लिंक आपको कमेंट में और इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पर जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पूरा जो है कि नोटिस देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट जो कि पोस्ट मैट्रिक वाले छात्र हैं जिनको समस्याएं आ रही हैं कि जो है कि उनका वेबसाइट नहीं चल रहा है, वो सारी समस्या तो उसको लेकर काफ़ी अच्छी आप लोगों के लिए जो है कि अपडेट आ गई है। देखो छात्रवृत्ति पोर्टल नहीं दे रहा 7-30% हो सके आवेदन। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि आप लोग अगर तमाम जो दिक्कतें आ रही हैं इस अलग अलग तरीके की, किसी का कोर्स नहीं सिलेक्ट हो रहा, किसी की हार्ड कॉपी नहीं निकल रही, किसी की हार्ड कॉपी में फोटो नहीं आ रही, किसी का NPCI दिक्कत आ रहा है, तो इसका कारण देखो आपको इस पूरे आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। शासन की ओर से पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को, ये आपको ध्यान नहीं देना, पिछड़ा वर्ग सबको आ रही है लेकिन इन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए लिखा है क्योंकि पिछड़ा वर्ग के जो समाज कल्याण अधिकारी है उनसे बात हुई इसलिए ये चीज़ यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल रही है।
प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, लेकिन अभी तक मात्र 30% छात्र छात्राओं ने ही आवेदन किया है। मतलब आप देख सकते हो कि जो आवेदन हुआ है सिर्फ और सिर्फ 30% जो है कि आवेदन अभी तक हो सके। मतलब आप समझ सकते हो कि सिर्फ 30% लोग आवेदन कर सके हैं, वो भी किसी तरह से उन्होंने किया होगा। इसका कारण पोर्टल का बार बार बंद हो जाना बताया जा रहा है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि इसी माह समाप्त हो रही है, वही 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं कि इसी माह समाप्त हो जाएगी। जो आप लोग का भी टेंशन है, इसी माह सप्ताह मतलब समाप्त हो जाएगी। बीते वर्ष ये सारी डिटेल हम लोग नहीं देखेंगे कि किसका क्या आंकड़ा था, ये पिछले साल का आंकड़ा बता रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो छात्रवृत्ति योजना का बजट 65 लाख था उसे बढ़ाकर 1.25 करोड़ किया गया। ये झांसी की बात कर रहे हैं, झांसी में बजट बढ़ा दिया गया है। लेकिन मंडल के कुल आवेदकों की संख्या 21,419 तक ही पहुंच सकी, जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 30% ही है। मतलब जो है कि आवेदन नहीं हो सका है। 31 दिसंबर तक जो है कि आखिरी तिथि निर्धारित गई है। बता दें कि जिस पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया की जानी है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है। अब जो हमारे काम चीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो समाज कल्याण के अधिकारी का इस बारे में क्या कहना है, देखो केपी सिंह है समाज कल्याण अधिकारी। पिछले साल के मुकाबले अभी तक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 30% है, हालांकि अभी आवेदन बढ़ना तय है। देखो इन्होंने क्लियर कर, समाज कल्याण अधिकारी इन्होंने क्या बोल दिया कि आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ना तय है, मतलब निश्चित है। ये बात तो मुझे भी अब कन्फर्म हो गई है कि जो वेबसाइट में समस्याएं चल रही हैं उसके कारण, और वो अभी आपको मैंने जो सर्कुलर दिखाया उसमें अभी आपको एक चीज़ और दिखाना बाकी रह गया। तो देखो इन्होंने बोल दिया ना कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ना तय है, आवेदकों का अकाउंट से आधार कार्ड सीड होना अनिवार्य है। ये तो सभी को मैंने आपको स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूँ कि NPCI सभी लोगों को करा लेनी है। पोर्टल पर तकनीकी कारण के चलते कुछ समस्या आ रही है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मतलब जो आप लोगों को समस्याएं वेबसाइट पर आ रही हैं उसको इन्होंने बोल दिया है भाई जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जल्दी मतलब अब ये कितना दिन होता है ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पर इन्होंने ये क्लियर कट बोल दिया है कि समस्याएं आ रही हैं। बात इसका मतलब ये है कि समाज कल्याण को इस बारे में इनको पता है कि वेबसाइट में समस्याएं आ रही हैं, तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और दो चीज़ें यहाँ पर आपको निकल कर, पहली तो डेट बढ़ेगी 31 दिसंबर से आगे जाएगी डेट, और दूसरी चीज़ जो वेबसाइट की समस्या आ रही है वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। और अकाउंट से आधार कार्ड, ये तो आपको पता है कि आधार कार्ड जो है कि बिना सीड कराए आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो ये वाली बात हुई, इसमें ही एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपके लिए लिखी हुई है। तो ये था जो प्री मैट्रिक के लिए जो इम्पॉर्टेंट नोटिस था, उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़ी काम की चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। देखो छात्रवृत्ति पोर्टल का समुचित विकास एवं आयोजन के अंतर्गत कई नवीन पेज के निर्माण, मतलब ये हो क्या रहा है, जो आप लोग को समस्याएं आ रही वेबसाइट में कई तरह की, आप लोग जो फॉर्म भरने में समस्या आ रही, उसका कारण देखो यहाँ पर समाज कल्याण स्वयं नोटिस में जो है कि एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपको मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। पहली चीज समस्या क्यों आ रही है बोल रहे हैं कि कई नए पेज का निर्माण कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट में कई नए पेज ये लोग जोड़ रहे हैं, नवीन पेज का निर्माण। सिक्योरिटी ऑडिट के उपरांत पेज को पब्लिश करना, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं जब कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मान लो वेबसाइट में उन्होंने कोई चेंज किया तो उसको चेक करने के लिए जब उस वेबसाइट को वो लोग पब्लिश कर रहे हैं तो उसके ऑडिट के लिए, तो वो समस्या कर रही है। तीसरा, दिन प्रतिदिन उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के निराकरण में अतिरिक्त समय लग रहा है, मतलब जो दिन दिन कोई समस्या आ रही है उसके, मतलब तीन कारण बताए इन्होंने, उनके कारण जो है कि आप लोगों को समस्याएं आ रही है वेबसाइट में। इसके कारण जो है कि 9वीं 10वीं का इन्होंने देखो बोला है ना, इस वर्ष छात्रवृत्ति की योजना नियमावली के अंतर्गत कई वृहद संशोधन किए गए हैं, मतलब कई सारे बड़े संशोधन किए गए हैं। पोर्टल को NPCI और डिजीलॉकर से इंटीग्रेट कराया गया, जिसके क्रम में NPCI स्तर पर उक्त कार्यों के क्रियान्वयन में अत्यधिक समय लगा है। उक्त कारणों से हुए विलंब को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों के हित में जो है कि समय सारणी इन्होंने बढ़ाई है। तो इन्होंने रीजन बता दिया जो मैं आपको कब से बता रहा था कि वेबसाइट की समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि ये लोग चेंजेस कर रहे हैं, NPCI उसी में जोड़ रहे हैं, डिजी लॉकर उसी में जोड़ रहे हैं, कई नई पेज जोड़ रहे हैं, इन सारे कारण जो है कि समस्या आ रही है। हालांकि समाज कल्याण अधिकारी आपको मैंने दिखाया, उन्होंने बोला है भाई कि जल्द ही ठीक कर देंगे, अभी कब ठीक करेंगे इन्होंने डेट नहीं बताई, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप लोग आवेदन कर सकोगे। एक यहाँ पर दो तीन गुड न्यूज निकल के आ गई आप लोगों को, एक तो जो है कि डेट बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको जो है कि कोशिश करते रहना आवेदन का, जब आपका हो जाए तभी अच्छा है। आपको ये नहीं करना है कि गारंटी ये हो गई 31 दिसंबर के बाद बढ़ेगी तो आराम से चिल कर रहे हैं, कोशिश आपको करते रहनी है, हो सकता है उसके पहले ही ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको अपने लेवल पर ही ट्राई करती रहनी पड़ेगी कि अगर सही हो रहा है तो आप आवेदन करके बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। तो ये तो हो गया ये वाली पूरी अपडेट। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको साथ, मतलब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं ब्लॉग का चैनल है, इसको जरूर जाके आप एक बार विजिट करना, इसकी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। मैंने मतलब ब्लॉग्स बनाना शुरू किए हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है ब्लॉगर SK करके, तो यहाँ पर 3-4 ब्लॉग्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप एक बार जरूर जाके विजिट करना और अपने व्यूज बताना इसके बारे में कि आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो इस चैनल को भी जाके आप सपोर्ट कर सकते हो, ये मेरा ही चैनल है, मैं ही इस ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलूंगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्निकल।